तो यहाँ पर चल रही है मूवी बॉर्डर और हम लोग खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे एक रियल स्टोरी है, आप सुनो मम्मी के मुँह से। हाँ बताओ। ये बॉर्डर फिल्म है। हाँ। ये पूरी हमारी शादी पर क्रेडिट करती है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हमारी शादी हुई थी। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग चल रही थी। अच्छा, पापा की ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग चल रही थी तो हमारी शादी हुई थी ट्रेनिंग पीरियड में। अच्छा, एक सेकंड, पंखा बंद कर देता, आवाज आती है। अच्छा, पंखा बंद कर दिया, सुन लिया। ट्रेनिंग पीरियड में शादी हुई थी तो 3 दिन की छुट्टी मिली थी शादी के लिए। हाँ, मेरी शादी थी 7 जुलाई 1987। अच्छा, 1987। ओके। 6 जुलाई की थी, 6/7/1987। अच्छा, उसमें हमारी शादी हुई थी। अच्छा। तो उस टाइम आए थे 3, यानी कि 6 की शादी 5 को आए थे छुट्टी। अच्छा, फिर जो लगन और जो सगाई होती है वो इनके फोटो से ली। अच्छा, लगन सगाई फोटो से? ये बात तो मुझे आज पता लगा। फोटो रखा था जो ये सामने रखा है ना, कौन सा वाला लेके आ फोटो, जो तेरे पापा का है येलो। अच्छा, जो ये वाला है, ये वाला, इस फोटो से हुई थी मेरी लगन सगाई। अच्छा, ये फोटो है इस पर। ये तो मुझे आज पता लगा। जो भी जो सगन होता है, जो मेरे भाई वगैरह आए थे शादी में, जो सगन लेकर आते हैं, जैसे सगाई लगन, तो इस फोटो पर टीका लगा हुआ था। अच्छा जी। हाँ, ये बात तो आपने मुझे आज, ये तो मेरे को भी आज तो पता लगी। तो कहती हूँ, मुझे जब भी तो इसकी बहुत वो अपनी याद आ जाती है। जब भी बॉर्डर मूवी आती है तो मम्मी काफी वो बोलती है, क्योंकि मम्मी से रिलेटेड है। अच्छा, फिर सारी पूरी की पूरी तो ये आए थे। इस फोटो से ही मेरे भाइयों ने टीका किया था, लगन का जो भी रस्में होती हैं इस फोटो से हुई थी। अच्छा। सारी इस फोटो के साथ, बस एक फेरे नहीं हुए मेरे। अच्छा। रियली में हुए थे। अच्छा, और फिर मतलब आज शादी हुई, फिर शादी हुई, 7 की शादी थी तो ये आए थे 6 जुलाई की शादी थी, 5 को आए थे। तो यहाँ पे काफी लोग बोलते पापा व्लॉग में नहीं आते। 5 को आए थे ये महाजन, जिन्हें देख रहे हैं, एक बार घुमाना जरा, फेस दिखाना। हाँ जी, ये सजन ऐसे तो काफी लोग बोलते हैं पापा व्लॉग में नहीं आते, तो आज आ गए हैं। कितने दिनों के बाद आए घर, आए बताओ। तो ये साजन आए थे 5 जुलाई को। अच्छा। 6 को चले गए मोहर रखे ब्याहने के लिए। अच्छा। दूल्हा बन करके है, फिर पहले, अब तो वापसी आ जाते हैं, तो अगले दिन आए थे हम, फिर विदा होकर हम आए थे 7 तारीख को। 6 की शादी थी, 7 को हम आए थे यहाँ पर 2 बजे। 2 बजे दोपहर में 2 बजे आए थे हम, और 3 बजे की इनकी ट्रेन थी। अच्छा। जबलपुर के लिए बल्लभगढ़ से। अच्छा। कंगन होता है वो खड़े होकर खुला था, और तभी चले गए थे छोड़ करके। अच्छा। ये सुनील शेट्टी की जो फिल्म है वो हमारी है रियली में। ऐसा तो नहीं, ये तो एक फिल्म है। फिल्म का डायरेक्टर कोई आपके साथ ही मारा, आप तो प्रेरित हो गए? नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं आया, बस ओनली 3 दिन हो गए ना, 5 को आए, 6 को ब्याहने चले गए, तो 7 की हाजिरी थी इनकी। अच्छा। 8 की थी, 8 की हाजिरी थी, तो 7 को चले गए। हाँ जी, हाजिरी कब की थी? 8 तारीख की हाजिरी थी, सुबह मॉर्निंग में। अच्छा। सुबह क्लास में शामिल हो गए। फिर क्लास में शामिल हो गए सुबह, ऐसे इन महाजनों, ऐसे ये महाजन शादी कर लाए। फिर या फिर तो याद आ रही होगी। अब हमें क्या है, हम इतने वो नहीं थे भाई, जैसे आजकल के बच्चे। अच्छा, पहले तो मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं थे ना, जब तो टेलीग्राम ऐसे ही, बस फोटो तो है हमारी, एल्बम भी है, कंगन वंगन खुर्रा, तो चिट्ठी वगैरह लिखते थे ना, बस लव लेटर लिखते थे, वो आज भी है हमारे पास में। ओह माय गॉड, अच्छा जी, यस, आज भी रख रखे हैं मैंने, वो भी इनकी जो बॉक्स है फौज की, उसी के अंदर। अच्छा। फिर उसके बाद आए थे शादी के बाद, फिर आए थे ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अच्छा। ये आए थे 10 दिसंबर पता ना 12 दिसंबर में आए थे शादी के बाद। सही है। आज अभी हल्की सी मूछ आ रही है, 9वीं 10वीं का
इस फोटो से शादी हुई सी लगन था और पीछे मिल गया यू टकलू राम। इसलिए ही मैंने कलर कला करा लिया। हकीकत में भी परन नहीं निभाते हम, फोटो से परन निभा रहे हैं वो भी आज के टाइम में। अंगूठी ने फिर इनकी कोई भी रस्म है सब बन्ने तोड़ ताड़ के भाग जाती हैं आजकल की लड़कियाँ। आजकल ऐसे हो रही है कि मम्मी पूछ रही ऐसी लड़ाई लड़ी थी या नहीं? कारगिल में, कारगिल में ये लड़ाई लड़ी थी। ये वाली कारगिल में 1900 कौन सा सन था जब तुम छोटे छोटे इतने तुम जैसे ये हैं रिद्धि गरिमा इतने होंगे नहीं तो गप्पू मुनमुन जैसे छोटे ही थे ना इतने बड़े भी ना थे छोटे। नहीं वही तो पूरी शूटिंग राजस्थान की है ना जब वहाँ की जैसलमेर की नवासी था केवल पोस्टिंग तो कहीं ना वही है सीधा कभी हमारे इंडिया में कहीं उसी दिन छुट्टी आना था। छुट्टी आना था इन्हें 20 जून को दोपहर में कागज मिले दोपहर में खाना खाया और कागज वापस। छुट्टी कैंसिल हो गई लड़ाई रात को 12 बजे पहुँचे ना तो पोस्ट चलनी है वहाँ खिचड़ी खाई अचार है खिचड़ी खाई अचार से बिना पानी पिए सो गए। पानी भी ना मिला पानी ना नदी ही 12 बजे पहुँचे जब लड़ाई के लिए जहाँ जाना तो चल दिए तो कोई बीच में सो गए दुश्मनों की अपनी जहाँ से लड़ाई लड़ने जाते हैं जवान 15 दिन बोल रहे थे बाबू आप कहाँ जाओगे आप लोग? कैंपिंग। आपको मालूम है कैंपिंग क्या होती है? बताओ। खेलना, मजे करना और उधर मजे और सारी और उधर ना बहुत सारी होती है। जंगलों में कैंपिंग कर सकते हैं। आपको कैसे मालूम मेरे को ये बताओ पहले। क्योंकि मैंने कार्टून में देख रखा। कार्टून में इतना कुछ आता है कार्टून में? वाओ है रिद्धि आपको ही मालूम है और क्या क्या करते हैं कैंपिंग में? ओ लग गई। और क्या क्या करते हैं कैंपिंग में? ना कभी कभार जंगली जानवर भी आ जाते हैं। हैं? ओ वाओ। और क्या क्या अपना आपको पता है अपना खाना खुद बनाना पड़ता है वहाँ पर? हाँ। उधर अपने उस, जो इधर बताओ इट्टी रख देते हैं और नीचे सूखी वाली लकड़ियाँ जला देते हैं और फिर खाना बनाते हैं।